टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया अपने विधानसभा के लोगों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि जल्द ही बाहर मिलेंगे, लव यू ऑल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विकास और सुशासन हमारे दो एजेंडे हैं। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हम सकारात्मकता राजनीति करते हैं, पार्टी एकजुट है, राजस्थान में हम सभी 25 सीटें जीतेंगे। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठियों की कोशिश नाकाम कर दी गई है, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। असम के सिलचर में 21 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है, जब्त की गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 210 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे नाम की घोषणा लोकसभा उम्मीदवार के लिए पश्चिम बंगाल और देश में सबसे पहले की गई, यह मेरे काम का नतीजा हो सकता है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई है। आरबीआई एमपीसी मीटिंग के नतीजों का ऐलान हो गया है, लगातार 7वीं बार आपकी ईएमआई नहीं बढ़ने वाली है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि हम सांगली की सीट जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए गुरुवार को कहा कि वह कुछ मुद्दों पर त्वरित फैसले लेती है, लेकिन शहीद की विधवा को आर्थिक लाभ देने के संबंध में निर्णय लेने में देरी करी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा हिंगोली लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार को बदलने की संभावना के बीच पार्टी के कुछ नेताओं का दावा है कि उन्हें कुछ सीटों पर नामांकन को लेकर गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नेता संजय निरुपम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना की तरफ से निरुपम की उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की तरफ से अब सांसद भावना गवली का टिकट काटा गया है, उनकी जगह राजश्री पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए अशोक चव्हाण ने कहा कि विपक्षी पार्टियां यह केवल मेरा नाम दे रही है, जबकि उन्हें यह विकास की बात करनी चाहिए। बीजेपी विधायक राणा जगजीत सिंह पाटिल की पत्नी अर्चना पाटिल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार गुट वाली एनसीपी में शामिल हो गई है, उन्होंने महायुति के नेताओं को धन्यवाद दिया है। शरद पवार गुट ने गुरुवार 4 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, इसमें भिवंटी सीट पर शामिल है जहां पर कांग्रेस दावा कर रही थी। सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई ने सहायक औषधि नियंत्रक अरविंद आर हिवाले, औषधि निरीक्षक देवेंद्र नाथ और अधीनस्थ कर्मचारी नागेश्वर एन सब्बानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि बाद में तीनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। नवनीत ने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है, यह बाबा साहेब आम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के दिखाए रास्ते पर चलने वालों की जीत है। सनी लियोनी के हाथ एक बड़ी फिल्म लगी है जिसमें वो हिमेश रेशमिया के साथ नजर आने वाली है। बताया जा रहा है कि सनी इस फिल्म के लिए एक ऐसे डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेट करी है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रोल का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, हर कोई 8 अप्रैल की राह दिख रहा है। इस दिन फैंस को बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, लेकिन इसी बीच बाहुबली 2 का एक रिकॉर्ड खतरे में है। ऐसा कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 इसे तोड़ सकती है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।